जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2024 के बारे में। यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने इसका फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर GDS की जो भर्ती आई हुई थी उसमें यहाँ पर अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पर कभी भी जारी हो सकती है। जी हाँ, और आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है वो सभी की एक साथ नहीं आती है, ठीक है। इसमें आप लोग देखेंगे तो जैसे अगर एक स्टेट है तो उसमें काफ़ी सारे सर्कल्स यहां पर आप लोगों को दिए हैं, तो आप लोगों को ये बाद में दिक्कत ना हो कि आप लोगों के स्टेट का, आप लोगों के सर्कल का या आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट आप चेक नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो लगातार जो है, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, इस तरीके से यहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं और एक एक स्टेट्स का जो है अपडेट यहां पर आता है लगातार। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के जो है सभी, जितने भी आप लोगों के स्टेट है सभी का PDF जो है यहां पर एक साथ आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, है ना। मैं 2023 से इस भर्ती को जो है यहाँ पर जो है कवर कर रहा हूँ, इसकी सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताई हुई है, ठीक है। आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों के मेरिट लिस्ट जो है आपके स्टेट वाइज बनती है, ठीक है, स्टेट वाइज बनती है, उसके साथ साथ आपके सर्कल वाइज भी यहाँ पर जो है आपको PDF देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कट ऑफ को लेकर, कि कट ऑफ कितने नंबर पर जो है यहाँ पर जा सकती है, यानी कितने नंबर वालों का सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज इंपॉर्टेंट डेट है आपकी, लास्ट डेट आपके फॉर्म करेक्शन की। जी हाँ, फॉर्म करेक्शन की आपकी लास्ट डेट है। अगर आपको लग रहा है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी यहाँ पर आपने गलती कर दी है तो आप जो है आज इसको जो है अपडेट कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। आज के बाद आप इसको जो है नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप GDS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का जो आपको समय दिया गया था आपके फॉर्म करेक्शन का, तो आज उसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो आपकी कट ऑफ को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि कट ऑफ क्या जाएगी, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, ये है 2023 की जितने भी आप लोगों के स्टेट है और जितनी भी यहाँ पर लिस्ट जारी की गई थी वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आपको कट ऑफ का जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि आपके स्टेट में, आपके सर्कल में, या आपके जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, आपने पोस्ट प्रिफ्रेंस भरी है, ठीक है, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पिछले बार उसकी कट ऑफ क्या गई थी, या आपके स्टेट की, आपके डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ क्या गई थी। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपके स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पर आपके सभी स्टेट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर आपने देखा कि बाकी लगभग सभी स्टेट्स के लिए लगभग 5 मेरिट लिस्ट जारी की है। 5 मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर जारी हुई है। तो आप लोग देखेंगे कि 5 मेरिट लिस्ट जारी हुई है, इसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट से लेके 5वीं मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है वो काफ़ी डिसइंक्रीज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पहली मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, ठीक है, उसके बाद जहाँ पर जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। उसका क्या कारण होता है, तो उसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी स्टूडेंट जो है अपने जो परसेंटेज है वो सही नहीं भरते हैं, या जानकारी जो है वो सही नहीं भरते हैं, है ना। यहाँ पर जो है आप लोग देखेंगे कि लगातार जो है ये फेक जो स्टूडेंट्स टाइप है वो यहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको जो है लगातार जो है मेरिट लिस्ट जो है देखने को मिलती है। तो देखिए, इस बार भी कितनी, क्या 5 मेरिट लिस्ट आ सकती है, तो देखिए वो डिपेंड करेगा आप लोगों के फॉर्म फिलअप के ऊपर कि किसने जो है सही फॉर्म फिलअप किया है और किसने गलत फॉर्म फिलअप किया है। तो आप अपने स्टेट की कट ऑफ कैसे चेक करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है अप्रॉक्स, तो आपको देखना है 5वीं लिस्ट, ठीक है, 5वीं लिस्ट आप लोगों को देखना है आपके स्टेट की। जैसे अगर आप बिहार से हैं तो बिहार की जो 5वीं लिस्ट है वो क्या गई है वो यहाँ से आप चेक कर लेंगे। इस पर क्लिक करके, जैसे ही क्लिक करेंगे ये आप लोगों के सामने पूरा PDF आ जाएगा। इसमें आप जो है देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप लोगों को डिविजन्स जो है दिए हुए हैं, डिविजन्स यानी आप लोगों का जो है स्टेट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट। अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर आपने औरंगाबाद से फॉर्म फिलअप किया था तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो दिया हुआ है, EWS की कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट 5वीं मेरिट लिस्ट में, जनरल के लिए कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है, यहाँ पर फिर आप देखेंगे OBC के लिए कितनी कट ऑफ गई थी। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो है इस बार 2024 की जो मेरिट लिस्ट है उसमें औरंगाबाद का क्या जाएगा। उसी तरीके से अपने स्टेट्स का, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, तो आप यहाँ से जो है पूरा PDF जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने जो कट ऑफ है वो फाइंड कर सकते हैं। उससे 1-2 नंबर आगे पीछे आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि नया बैच आया हुआ है जो आपके 10वीं पास हुए स्टूडेंट उनका, तो वहाँ पर जो है आप लोगों को नए स्टूडेंट
स्टूडेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं जिनके परसेंटेज जो है हाई रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो चांस है वो इस तरीके से ही रहेगा कि आप लोगों का जितने भी पिछले बार जो पांचवी मेरिट लिस्ट में जो भी नंबर आए थे उसी के आसपास आपको जो है कट ऑफ देखने को मिलेगी, है ना। जैसे ही जो भी अपडेट आएगा, आज आप लोगों की 5 तारीख हो चुकी है, सॉरी आज की जो 8 तारीख है वो यहाँ से जो है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो यहाँ पर ऑफ हो चुकी है ना। अब यहाँ से जो है आपकी मेरिट लिस्ट कभी भी जो है आ सकती है, जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों तक पहुँचा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी छोटी बड़ी अपडेट है वो आप लोगों तक पहुँचा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जय हिंद।